मंडलशाही वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद हम जागरा गांव के लिए रवाना हुए। कुंडलशाही से जागरण गांव तक रास्ते के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं, तो इसलिए आपके साथ रास्ते की मनाजिर शेयर करते हैं। जागरण जाते हुए रास्ते में एक चश्मा भी आता है, जिसका पानी साफ शफाफ और मीठा भी है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे जागरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहाँ बिजली बनाई जाती है। और जागरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देखने के बाद जागरा गांव भी जाएंगे। बाबू से आगे भी कुछ जगह जगह बाहर से ना आज जागरा पावर प्लांट। ये पहाड़ को चीरकर बनाया गया है। ये तकरीबन 2000 में बना था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंदर वीडियो करना मना है, तो अंदर की वीडियो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आप ऐसा करें कि खुद आ जाइए और खुद देखिए, क्योंकि अंदर जो सिस्टम है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। हमने तो माशाल्लाह बहुत खूब इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त था। तो आप भी आ जाइए और खुद देखिए, आपकी वीडियो मत बनाइए, हम भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अंदर सीक्रेट है, हम सबका सीक्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब हम जाएंगे जागरा गांव। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
है जागरा गांव, छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है। यही वजह थी कि हम जागरा गांव देखे बगैर वापसी नहीं कर सकते थे। अच्छा दोस्तों, तो ये था जागरान जागरान गांव, और जागरान में जो पॉपकॉर्न था हमने वो तो आपके साथ किया। लेकिन इसके बाद हमें जाना था बाबून टॉप। तो बाबून टॉप यहाँ का जो लोकल है, मतलब यहाँ का जो रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे थे कि आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ी है और जो रास्ता है वो सारा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जाएँ। इरादा तो पक्का था कि इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम जरूर उसकी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जागरा गांव देखने के बाद हमारी अगली मंजिल किरण वैली है, जो आपके साथ अगली व्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।